नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं। हमने उन सभी लोगों के लिए कहा है कि जो भी चमत्कारी है वो आगे आए और जोशीमठ की दरारें ठीक करें। शंकराचार्य ने धर्म चमत्कार राजनीति के मुद्दे पर बेबाक प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि इससे पहले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लिए बिना उन्हें चुनौती दी थी। कहा था कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ में धसती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं, तब उनके चमत्कार को मैं मान्यता दूंगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य के इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी थी और सिर्फ इतना कहा था कि वे उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम बागेश्वर धाम से परिचित नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि वहां चमत्कार हो रहा है, तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो वो जोशीमठ आए और दरारें ठीक करके दिखाएं। हमारा मतलब किसी व्यक्ति से नहीं था। आगे उन्होंने कहा कि हमने उन सभी लोगों के लिए कहा है जो चमत्कारी है, वो आगे आए और जोशीमठ की दरारें ठीक करें। विवादों में चल रहे बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फरवरी महीने की शुरुआत में संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। प्रयागराज शहर से 50 किलोमीटर दूर मेजा तहसील क्षेत्र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम का दरबार लगाएंगे। वे माघ मेले में पहुंचकर संगम में डुबकी भी लगा सकते हैं। आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में चल रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से केस दर्ज कराए जाने के बाद विवादों में आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में बागेश्वर धाम लगाने जाएंगे। आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फरवरी महीने की शुरुआत में प्रयागराज आएंगे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब यूपी में भी दरबार लगाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में 2 फरवरी से बागेश्वर धाम का दरबार सजेगा। बताया जा रहा है कि प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर मेजा तहसील क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज में आयोजित मां शीतला कृपा महोत्सव में भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में भी पहुंच सकते हैं। आपको बताते चलें कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माघ मेले में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी भी लगा सकते हैं। दरअसल इन दिनों बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में चल रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम के दौरान अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने चमत्कार करके दिखाने की चुनौती दी थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नागपुर में कार्यक्रम निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया था, जिसे लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में आ गए। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने और टोना टोटका करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। समिति ने यह भी दावा किया था कि वे ये पता चलने के बाद नागपुर से 2 दिन पहले ही पैकअप कर भाग निकले कि महाराष्ट्र में इस कानून के तहत गिरफ्तारी के बाद जल्दी जमानत नहीं मिलती। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी नाम लिए बिना बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उत्तराखंड के जोशीमठ जाकर चमत्कार से दरारें भरने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं जानता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमने उन पर सभी बाबाओं को चमत्कार दिखाने की चुनौती दी है जो चमत्कार के नाम पर ठगी कर रहे हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के नागपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार लगाने के बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानो ने उन्हें चुनौती दी थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद यहाँ पहला दरबार लगा। उन्होंने श्याम मानो को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने भी अब उन पर सवाल उठाया है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने भी विरोध जताया। वहीं भाजपा के 2 मंत्रियों का समर्थन मिला है। शनिवार को द्वारिका बीच के जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती कटनी पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि जो लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो कभी बागेश्वर धाम गए हैं? क्या उन्होंने लोगों का भला करने के लिए दक्षिणा ली है, पैसा लिया है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उन्होंने ठीक करने का दावा किया हो,
कोई एग्रीमेंट किया हो वो ठीक नहीं हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले विश्वास और अंधविश्वास में अंतर समझना पड़ेगा। अगर किसी देवी देवता का आश्रय लेकर लोग ठीक हो रहे हैं तो क्या गलत है? ये तो हमारी परंपरा है। क्या बागेश्वर महाराज ने पीला चावल भेजा है क्या? फिर क्यों आए? ये आपकी श्रद्धा और विश्वास है। वे हजारों लोगों की भीड़ के सामने सिद्ध कर चुके हैं तो फिर अंधविश्वास कैसे? इसका प्रमाण क्या है? हजारों लोगों को बागेश्वर धाम से लाभ हो रहा है, वहां जाने वाले लोग संतुष्ट होकर वापस आते हैं। ना पूर्वादे हो या कोई हो, क्या वे वहां गए? अगर आपको जिज्ञासा है तो आप पहले जाइए। आरोप लगाना बहुत सरल है लेकिन उसे सिद्ध करना बहुत कठिन। बागेश्वर सरकार पर प्रश्न उठाने वाले हिंदू सनातन धर्म विरोधी है। हिंदू ही हिंदू धर्म की निंदा करते हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे नास्तिक हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर हो रहे विवाद के बीच भास्कर उनके गुरु पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी से मुलाकात हुई। बताते चले कि राम भद्राचार्य जी ने कहा कि मेरे शिष्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा कही गई बातें मर्यादा और धर्म के अनुकूल है, उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं एक आधिकारिक व्यक्ति हूँ, सामान्य नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं भी उनका शिष्य हूँ। धीरेन्द्र के खिलाफ अनर्गल बोलने वालों के विरुद्ध मैं मानहानि का केस करूंगा। धीरेन्द्र को बदनाम करने की साजिश शुरू हो गई है लेकिन वह इससे नहीं डरता। धीरेन्द्र ने जो काम किया है उसे धर्मांतरण कराने वाले बौखलाए हुए हैं। हमने केंद्र को भी धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाने के लिए लिखा है। आपको बता दें कि राम भद्राचार्य जी राम जन्मभूमि केस में अहम गवाही दे चुके हैं। वे सोमवार को भोपाल पहुंचे, यहां वे 8 दिन शहरवासियों को राम कथा की भक्ति रस से शराबोर करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर और हरदीप सिंह डंग ने भी समर्थन किया है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा के अनन्य भक्त हैं, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। वह मंत्र और प्रार्थना विज्ञान है। कुछ राष्ट्रद्रोही वामपंथी उनके पीछे पड़े हुए हैं। वहीं हरदीप सिंह डंग ने कहा कि हमें गर्व है कि ऐसे संत भारत की भूमि पर है। सतना के मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठाने वाले श्याम मानव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि श्याम मानव लोगों को हिप्नोटाइज करता है, हिप्नोटाइज करने की ट्रेनिंग देता है। ऐसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, हम उनके खिलाफ थाने में केस दर्ज कराएंगे, जरूरत पड़े तो कोर्ट तक जाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र को जान से मारने की धमकी मिली है। आज पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। बताते चले कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फोन पर धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि छतरपुर के वमीठा थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506-507 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताते चले कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने विवादास्पद बयानों के बाद सुर्खियों में आए, जिसमें कहा गया था कि मुझे समर्थन दे और मैं आपको एक हिंदू राष्ट्र दूंगा। शास्त्री ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां रामचरितमानस लिखने वाले कवि तुलसीदास को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को चुनौती देने वाले किसी भी पुजारी, मौलवी या व्यक्ति को जवाब मिलेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप मेरा समर्थन करें, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।